अच्छा, साल 2023 के आखिरी दिन का मेरा हेलो स्वीकार करिए मेरे प्रिय क्रिको के सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स, जो कि आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों टीम इंडिया की कप्तानी अब बन चुकी है रिस्की, वेरी रिस्की। भाई सही सुना तूने, इतिहास गवाह है कि जो कप्तानी के रेस में आया है तब तब वो घायल हुआ है। हार्दिक, सूर्या, ऋतुराज लिस्ट लंबी है ब्रो, वीडियो में आगे बताते हैं। और अगर तुमको भी याद आ रहा है ऐसे भारतीय कप्तानों का नाम जो कप्तान बनते ही घायल हो गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वैसे भारतीय टीम की कप्तानी करना वैसे ही मुश्किल काम है, ऊपर से पिछले 2 सालों से जो भारतीय कप्तानों के साथ हो रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला अचंभा है। वो रंभा, आई मीन मेरा मतलब अचंभा क्या है वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल साल 2024 में कौन बनेगा टीम इंडिया का T20 कप्तान, इस पर आपको 2 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे। हेलो, नमस्कार, मैं हूं रौनक, क्रिको पर आपका स्वागत है। 31 दिसंबर का राम राम, क्या है नए साल का प्रोग्राम। वैसे प्रोग्राम तो बीसीसीआई सेट कर रही है शुभमन गिल का, जिनको कप्तान बनाए जाने की पूरी योजना तैयार है। बस कहीं कहानी में ट्विस्ट ऐसा ना आ जाए कि अफगानिस्तान के खिलाफ जड्डू को टीम का कप्तान बना दिया जाए। आपके हिसाब से कौन है सही चॉइस, कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपर्ट ज्ञान जरूर देना। फिलहाल दोनों प्लेयर्स को बतौर कप्तान आंक लेते हैं। सबसे पहले रॉकस्टार जड्डू की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के 3रे मैच में सूर्या के चोटिल होने के बाद जडेजा ने टीम इंडिया की कप्तानी थी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उपकप्तान की भूमिका में थे, इसलिए उनका भी कप्तानी पद का दावा तगड़ा है। और रविंद्र जडेजा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत की कप्तानी नहीं की है, लेकिन उन्होंने आईपीएल में चेन्नई की कप्तानी की है। 2022 में सीएसके की कमान संभाली, इस दौरान उन्होंने 8 मैचों में कप्तानी की जिसमें टीम को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली। शुभमन गिल की अब बात कर लेते हैं। इससे पहले शुभमन गिल ने भारतीय टीम की कमान तो नहीं संभाली है, लेकिन उन्हें अगले सीजन के लिए आईपीएल में गुजरात ने अपना कप्तान बनाया है। इससे पहले हो सकता है कि उन्हें टीम इंडिया की भी कमान मिल जाए, शायद टेस्ट क्रिकेट में भी। अभी तक इसके लिए बीसीसीआई की ओर से कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही टीम सामने आ जाएगी। और साथ ही माना जा रहा है कि इस सीरीज में भारतीय टीम को नया कप्तान भी मिल सकता है, जो कि होंगे भारत का टेस्ट क्रिकेट में फ्यूचर देखते हुए शुभमन गिल। 2024 में भारत को अपनी पहली टेस्ट सीरीज घर में इंग्लैंड से खेलनी है। ऐसे में बीसीसीआई की कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कोई भी बड़ा खिलाड़ी चोटिल न हो जाए। ऐसे में रोहित कोहली जैसे खिलाड़ी भी शायद अफगानिस्तान की T20 सीरीज में आराम फरमाएंगे। अगर ऐसा होता है तो गिल की कप्तानी में ज्यादातर युवा बल्लेबाजों को हम सीरीज में खेलते हुए देखेंगे। माना जा रहा है कि नए साल के पहले ही सप्ताह में बीसीसीआई की ओर से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया जाए। अब वापस आते हैं उस अचंभे वाली बात पर जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। भारत ने पिछले 2 साल में 7 कप्तान बदले, और ये सभी कप्तान तब बने जब करंट कप्तान चोटिल हुए, सिवाय कोहली के, क्योंकि उनको हटाने के बाद से ही ये कप्तानी और चोट का चोर पुलिस वाला खेल चालू है। याद आता है इंग्लैंड के खिलाफ 2021 का टेस्ट सीरीज, जिसका आखिरी टेस्ट 2022 में खेला गया बिकॉज ऑफ कोविड, और जब मैच हुआ तो कप्तान बने रोहित शर्मा। मगर कप्तान बनते ही उन्हें कोविड ने अपने चपेट में लिया और उनकी जगह कप्तानी संभाली बुमराह ने, जो कि बुमराह के लिए अगले 1 साल के लिए आखिरी टेस्ट मैच भी साबित हुआ। केएल राहुल जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2 साल पहले कप्तानी सौंपी गई थी, वो भी आईपीएल में कप्तानी करते हुए चोटिल हुए, और फिर उनकी जगह टीम की कप्तानी की ऋषभ पंत ने, जिनके साथ पिछले साल बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे से पहले भारत 2022 में T20 वर्ल्ड कप हारा, और बीसीसीआई की नजर में पंत ही भारतीय टीम के नए सुपरस्टार कप्तान के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। मगर पंत के एक्सीडेंट के बाद टीम मैनेजमेंट ने टीम के कप्तान के तौर पर कम से कम T20 फॉर्मेट के लिए हार्दिक का नाम प्रमोट किया, और फिर वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा कि कैसे हार्दिक भी घायल हुए। हार्दिक आउट हुए तो अब सबसे छोटे फॉर्मेट में सूर्या को कप्तानी मिली, अब वो भी एडी चोटी का जोर लगाकर इंजर्ड हो गए। T20 क्रिकेट में अब तक कुल 13 कप्तान बने हैं, जिसमें सबसे पहले कप्तान का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, दूसरे का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के नाम शामिल है। अब इसमें गिल का नाम जुड़ता है या जड्डू का, ये नए साल के पहले हफ्ते में हो सकता है बीसीसीआई हमें बता दे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगला कप्तान, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। फिलहाल जाने से पहले हमारे क्रिको चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। बाकी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया क्रिको की पूरी टीम की तरफ से कि आपने इस चैनल को इस साल बहुत ज्यादा प्यार दिया, और आगे भी यानी अगले साल भी इससे डबल ट्रिपल देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, बोले तो अगले साल मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, ओनली ऑन क्रिको। जय हिंद, जय भारत।